वेब सीरीज खाके के रियल विलन और बिहार के बाहुबली अशोक महतो अपनी नई नबेली बीवी को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर चुके हैं। उसके लिए उन्होंने लालू यादव से भी मुलाकात की। खास बात यह है कि अशोक महतो की पत्नी जेडीयू नेता ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर सीट से चुनाव लड़ेंगी। मुंगेर सीट इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने भी इस सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था और ललन सिंह ने बड़े अंतराल से नीलम देवी को मात दी थी। अब एक बार फिर से इस सीट से बाहुबली नेता की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। बहरहाल अशोक महतो अचानक उस वक्त चर्चा में आए जब 3 दिन पहले करीबन 60 साल की उम्र में उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। आनंद फानन में अशोक महतो ने अपने से 16 साल की छोटी अनिता देवी से मंदिर में शादी। फिर आशीर्वाद लेने लालू यादव से मिलने भी पहुंचे। इसके बाद सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि अशोक महतो लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने की जुगाड़ में लगे हैं। दरअसल आपराधिक मामलों में सजा याफ्ता होने के चलते अशोक महतो चुनाव नहीं लड़ सकते, जिसके चलते उन्होंने 62 साल की उम्र में शादी की। अब उनकी पत्नी मुंगेर से चुनाव मैदान में होंगी। मुंगेर लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है ये भी जानिए। साल 1952 के चुनाव में मुंगेर 4 लोकसभा सीटों में बटा हुआ था। 1957 के चुनाव में 2 सांसद जीत कर आए, लेकिन 1967 के चुनाव में यहां सभी को मिलाकर एक कर दिया गया और मुंगेर लोकसभा सीट एक हो गई। साल 1998 में आरजेडी को इस सीट से जीत मिली, जबकि साल 1999 में जेडीयू ने इस सीट से जीत दर्ज की। 2004 की अगर बात करें तो साल 2004 में फिर से आरजेडी ने इस सीट से जीत हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ा और इस सीट से जीत हासिल की। अशोक महतो साल 2001 में हुए नवादा जेल कांड में 17 साल जेल में सजा काट चुके। इस मामले में 3 पुलिस वालों की हत्या कर उसके गैंग के साथ ही अशोक महतो को भगा ले गए थे, लेकिन 2006 में पुलिस ने फिर अशोक महतो को गिरफ्तार कर लिया। पिछले साल वो जेल से बाहर निकले हैं। कानून के मुताबिक 2 साल से ज्यादा की सजा पाया व्यक्ति जेल से निकलने के 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, जिसके बाद अशोक महतो ने शादी करने का फैसला लिया। अब अशोक महतो की शादी को सियासी मैरिज भी करार दिया जा रहा है।